ये चना साग स्पेशल रेसिपी बन के तैयार है। इस तरह से चना साग का पकौड़ी बनाइए, चटनी बनाइए, खाइए। इसीलिए हम ब्लॉग्स पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पकौड़ी। ये है मसूर और चने का दाल अच्छे से भिगोया हुआ। इसको लीजिए जार में, थोड़ा सा लहसुन डालिए, दो तीन हरी मिर्ची डालिए, अब इसी में डालिए नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा ही डालिए गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा डालिए मिक्स सब्जी मसाला पाउडर। थोड़ा सा पानी डाल के इसको बारीक पीस लीजिए। एक टमाटर, थोड़ा सा लहसुन, हरी मिर्ची, सबको जार में डालिए। और इसी में डालिए थोड़ा सा, ये है चने का साग धो के साफ किया हुआ, इसमें से बथुआ को हटा लीजिए और चना साग थोड़ा सा जार में डालिए। पहले इसको थोड़ा सा पीस लीजिए, फिर इसमें नमक डालेंगे। अब इसमें डालिए नमक चटनी के हिसाब से, एक बार और इसको पीस लीजिए। अब ये बहुत ही टेस्टी चटनी बनके तैयार है, इसको निकाल लीजिए। अब ये पिसा हुआ दाल भी निकाल लीजिए एक बर्तन में। ये इस तरह का दाल पिसा के तैयार है। पिसे हुए दाल में आप किसी भी चीज का पकौड़ी बना सकते हैं, पत्ता गोभी का, पालक का, धनिया पत्ता का, मेथी पत्ता का, जो भी पकौड़ी बनाना चाहें। आज बनाएंगे इस चना और बथुए के साग का पकौड़ी।